नमस्कार दर्शक मित्रों, आज 24 न्यूज़ चैनल के विशेष फोन इन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है टेस्ट ट्यूब बेबी के जो निष्णांत और अनुभवी डॉक्टर है। स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर हम आज लाइव शो कर रहे हैं। दर्शक मित्रों, आपको जो कोई भी टेस्ट ट्यूब बेबी के ऊपर कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे फ़ोन नंबर 2427000 पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। मैडम, टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होता है उसके बारे में आप बताइए। सबसे पहले नॉर्मल कैसे बच्चा होता है समझा देती है और बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी समझाती हूं। जी, नॉर्मली स्त्रियों को गर्भाशय होता है, गर्भाशय के दो बाजू में दो फैलोपियन ट्यूब्स होता है, उसके नीचे दो अंडकोश होते हैं, योनि मार्ग होता है। अभी महीने में एक वक्त 15वें दिन अंडकोश में से एक बीज निकलता है। ये बीज उसके गर्भाशय के नस में जाता है, उसको फल बीज व्याहिनी बोलते हैं, उसमें जाता है। उस वक्त अगर उस स्त्री का उसके पति के साथ समागम हो गया तो समागम में जो द्रव आता है उसमें स्पर्म्स होते हैं। तो ये स्पर्म्स अंदर जाने के बाद, अगर स्पर्म्स अंदर गए और उसका ट्यूब में जो एग है उसके साथ मिलन हो गया तो उसको फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, और ये फर्टिलाइज्ड एग उसको भ्रूण बोलते हैं या एम्ब्रियो बोलते हैं। ये एम्ब्रियो फलबीज माहिन से यूट्रस में आके यूट्रस में चिपक जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, और फिर लड़की का मासिक जाता है, प्रेगनेंसी होती है। सो दिस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस हम बाहर करें, हम जब भी स्त्री का बीज बाहर लेते हैं, उसके पति का स्पर्म्स बाहर लेते हैं और बाहर लेबोरेटरी में उनका मिलन करके एम्ब्रियो तैयार करते हैं, और ये एम्ब्रियो निकाल के वो स्त्री के यूटरस में डालते हैं, और वो जब पकड़ता है उसको IVF प्रेगनेंसी बोलते हैं। सो इन IVF यू मेक द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इन द लेबोरेटरी। ओके, तो मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी का जो फर्स्ट स्टेप्स है वो यहीं से शुरू होता है, ऐसा बोल सकते हैं। आजकल बहुत सारे मतलब दंपतियों को प्रॉब्लम होती है, जो बच्चा नहीं पैदा होता है तो उसकी वजह से वो ज़्यादा टेंशन में आते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा मतलब ऑप्शन है कि टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी और IVF में बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो मतलब उनका डिफरेंट क्या है? नहीं, IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इट इज़ सेम एज टेस्ट ट्यूब बेबी, बट देर इज समथिंग नोन एज अ ICSI, इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसमें क्या होता है, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी किसको होता है, जिसके ट्यूब्स नहीं फंक्शन कर रही है। अगर स्त्री का गर्भाशय सही है और ट्यूब बंद है तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी लगेगा। अगर स्त्री के अंडकोश में एंडोमेट्रियोसिस की प्रक्रिया है, एंडोमेट्रियोसिस का मतलब यूट्रस में से जो मेंसेस बाहर आता है वो ट्यूब में से अंदर जाके ओवरीज में घर करेगा, तो ओवरीज दोनों ओवरीज में सिस्ट बनते हैं और जिसमें ब्लड क्लॉट्स होते हैं, जिसको हम हेमरेजिक सिस्ट अथवा एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। ये एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी से बच्चा नहीं होता है तो उनको कभी कभी टेस्ट ट्यूब बेबी लगता है, ट्यूब बंद होने से टेस्ट ट्यूब बेबी लगता है। कभी कभी मेल फैक्टर स्पर्म्स हैं, हस्बैंड को स्पर्म्स हैं लेकिन थोड़े से कम है, मतलब नॉर्मल स्पर्म काउंट 15 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए और मोर्टिलिटी 30-40% होनी चाहिए। उसके बदले में स्पर्म काउंट सपोज 5 या 10% है, 10 मिलियन है, तो इनको कभी कभी टेस्ट ट्यूब बेबी लगती है। फिर अनएक्सप्लेन इनपर, सब सही है लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है, यूट्रस सही है, गर्भाशय सही है, ट्यूब सही है, अंडकोश में से प्रक्रिया बीज निकलने की प्रक्रिया सही है, योनि मार्ग सही है, सब सही है लेकिन फिर भी उस औरत के पति का स्पर्म भी अच्छा है, फिर भी बच्चा नहीं होता है। इट इज़ नॉन एज अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। ऐसे हमारे 30% पेशेंट्स को सब सही होने के बावजूद बच्चा नहीं होता है लेकिन फिर उनको टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अ क्रॉनिक एनोविलेशन, मतलब अंडे में से बीज निकलने की जो प्रक्रिया है वो होती ही नहीं है, जिसको एन ओविलेशन बोलते हैं। तो ऐसे स्थिति में टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति से बच्चा होता है। सो ये रहा टेस्ट ट्यूब बेबी। अभी सेकेंड चीज़ है ICSI, इसलिए उसका मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। उसका मतलब है एक बीज में एक स्पर्म डालना, एक स्पर्म एक बीज में डालना, जिसको ICSI बोलते हैं। और ये किसके लिए करते हैं, जब भी पति में स्पर्म्स बहुत ही कम है, बहुत नॉर्मली बच्चा होने के लिए 15 मिलियन स्पर्म काउंट होना चाहिए और मोर्टिलिटी 30-40% होनी चाहिए और मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल 4% होना चाहिए, ऐसा पुरुष अपनी पत्नी को प्रेग्नेंट बना सकता है। लेकिन अगर पुरुष में 5 मिलियन से कम स्पर्म्स है
या 2 मिलियन से कम है या बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे लोगों को इक्सी पद्धति से बच्चा होता है, जिसमें स्त्रियों का 10 दिन इंजेक्शन दिया जाता है और उसके स्त्री के अंडकोश में फॉलिकल्स तैयार किए जाते हैं। फिर योनि मार्ग से सुई डाल के ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी से सभी नीडल से सब अंडे बाहर लिए जाते हैं और हम चेक करते हैं स्टीरियोज़ूम माइक्रोस्कोप में। ये अंडे फिर इनक्यूबेटर में रखते थे, फिर पति का जो स्पर्म है वो लेके उसको क्लीन करते हैं और फिर ये अंडे जो हमने तैयार किए उनको भी क्लीन करके कैसे मैच्योरिटी है, जर्माइनल वेजिकल है क्या, M1 है क्या, M2 है क्या, ऐसे चेक करते हैं। फिर M2 ऊसाइट, ऊसाइट मतलब एग, फीमेल का एग को ऊसाइट बोलते हैं। और हमारे पास माइक्रो मैनिपुलेटर करके एक मशीन है जिसको एक अंडे को पकड़ लेता है होल्डिंग ट्यूब, होल्डिंग नीडल से, और फिर एक स्पर्म हम उसमें इंजेक्ट करते हैं, उसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं। ये प्रक्रिया लेबोरेटरी में होती है। हमारे यहाँ हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभाकर सिंह है, मेरा जमाई है, आज उनकी शादी की सालगिरह है। बहुत ही अच्छा है, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। या पूजा और प्रभाकर दोनों की आज शादी की 11वीं सालगिरह है। एंड इस जमाई ही वॉज अ चेस्ट फिजिशियन, और चेस्ट फिजिशियन होने के हमारे यहाँ काफ़ी सारा वर्क होता था उस ज़माने में। 10 साल पहले हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट बॉम्बे से आते थे, मेरा कज़िन ब्रदर ही था वो, लेकिन वो बॉम्बे से 2 बार आते थे और हमारे केसेस बढ़ने लगे, प्रेगनेंसी होने लगी, तो फिर क्या करेंगे। तो हमने प्रभाकर को बोला, प्रभाकर की हम लोग सब लोग बैठे, देयर वाज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग। प्रभाकर बोला, मम्मी मैं सीखता हूँ। अच्छा। 2 साल लंदन में सीख के आया एंड ही इज़ एन एक्सलेंट एम्ब्रियोलॉजिस्ट। उसके हाथ से मतलब 10 साल में, 10 साल के हमारे सूरत के सेंटर में प्रभाकर के हाथ से 5000 IVF बेबीज है, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। और हमारे तीनों हॉस्पिटल्स, अगर वापी का सेंटर इवा केयर फर्टिलिटी सेंटर है, पारडी का तो 20 साल से है, उसको नाडकर्णी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं वो, और सूरत, सब मिलके देयर आर अराउंड 15000 IVF इक्सी बेबीज। बहुत ही अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक रिजल्ट इज वेरी वेरी गुड, एंड आज उनकी सालगिरह है तो आई थिंक तो उसका मेंशन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी S24 न्यूज परिवार की ओर से आप भी बहुत ही बधाई हो, उनको बहुत ही शुभकामनाएं दीजिएगा हमारी ओर से आप उनको। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए मतलब स्टेप्स क्या होता है, कैसे हम लोग उनको पता चलेगा कि उनको टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है, कैसे हो सकता है, फिर उनका स्टेप कैसे रहेगा, कितने मंथ का उनका ट्रीटमेंट रहेगा, वो सब आप हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। देखो, सबसे पहले मैंने बताया, पति पत्नी की शादी होने के बाद 1 साल तक तुम कुछ भी प्रकार का ये नहीं करो, मतलब कंडोम नहीं वापरो या ओरल पिल्स नहीं ले, कुछ भी कॉन्ट्रासेप्शन, कोई भी जांच की कॉन्ट्रासेप्शन ना करने के बावजूद तुम्हारा रेगुलर एक दूसरे के साथ समागम होता है 1 साल तक, आपको बच्चा चाहिए और बच्चा नहीं होता है तो आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए। डॉक्टर आने के बाद पहले पर्स पेक्युलम एग्जामिनेशन करेगा, अंदर से चेक करेगा योनि मार्ग में यूटरस सही है कि नहीं देखेगा, फिर सोनोग्राफी करेगा। सोनोग्राफी में यूटरस सही है कि नहीं समझता है, ट्यूब सही है कि नहीं समझता है, फाइब्रॉइड्स की गांठ है कि समझता है, एंडोमेट्रोसिस है कि समझता है, ओवरी कितनी बड़ी है, ओवरी में से एग गिविंग कैपेसिटी कितनी है वो देखता है। यूटरस के अंदर कभी पर्दा होता है, कभी यूटरस के अंदर पॉलिप होता है, गांठ होता है, ये सब जाँच डॉक्टर करेगा। ये सब सही है तो उसके बाद पति के स्पर्म चेक हो जाते हैं। अगर स्पर्म में 15 मिलियन स्पर्म काउंट है, मोटिलिटी 40-50% है, नो प्रॉब्लम, स्पर्म सही है, स्पर्म ने पस सेल्स नहीं है तो स्पर्म सही है। इसके बाद हम लोग उनको नेचुरल कंसेप्शन करवाते हैं, मतलब 14वें दिन बीज निकलने की प्रक्रिया होती है, उस दिन हम उनको समागम करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड के जरिए हम फाइंड आउट करते हैं कि अंडा कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा हो गया। चलो 12वें दिन वो सपोज 16 मिलीमीटर हो गया, तो हम बीज फूटने का इंजेक्शन देते हैं और एग्जैक्टली 24-48 आवर्स में उनको समागम करने को बोलते हैं, जिसमें बच्चा होने का चांस 15-20% है। अगर 2-3 साइकिल नेचुरल कंसेप्शन करने की कोशिश की और बच्चा नहीं हो गया तो हम IUI पद्धति करते हैं। IUI का मतलब जिस दिन बीज निकलता है उस दिन पति का स्पर्म लेते हैं, उसमें प्रोसेसिंग, उसको वॉश टेक्निक से वॉश करते हैं, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी मतलब अंदर जाने की क्षमता बढ़ाते हैं, और एक सुई में डाल के यूटरस के अंदर उसको पदार्पण करते हैं। ऐसे यूटरस है, उसके अंदर सुई में डाल दिया, स्पर्म जेंटली इंजेक्ट करते जिसको IUI बोलते हैं। IUI मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन ऑफ प्रोसेस्ड स्पर्म्स। ये होने के बाद बच्चा होने का चांस और 15-20% बढ़ जाता है।
अगर नेचुरल कंसेप्शन की कोशिश की नहीं हो गया, फिर IUI करने की कोशिश की फिर भी नहीं हो गया, तो हम लैप्रोस्कोपी और हिस्टोस्कोपी करते हैं। लैप्रोस्कोपी दूरबीन से तपास करना, हिस्टोस्कोपी यूटरस ऐसे है और अंदर से हम तपास करते हैं जिसको हिस्टोस्कोपी बोलते हैं। हिस्टेरस मीन्स यूटरस के अंदर का भाग और स्कोपी मीन्स टेलीस्कोप। सो टेलीस्कोप जाके अंदर तपास करते हैं, फिर ऊपर से बेम्बी के नीचे एक छोटा सा काप रख के उसके अंदर टेलीस्कोप डाल के चेक करते हैं। और यहाँ हम यूटरस में कुछ गांठ है के चेक करते हैं, ट्यूब खुले हैं के चेक करते हैं, इंजेक्शन नीचे से डालते हैं। यूटरस के अंदर हम जब भी दूरबीन डालते हैं तो उसमें सेप्टम है या पर्दा है क्या देखते हैं, छोटा सा मसा है क्या देखते हैं, फाइब्रॉइड की गांठ है क्या देखते हैं, उसको निकाल सकते हैं। ट्यूब खुली है कि नहीं, ट्यूब में पानी भरा है कि चेक करते हैं, एग्स बराबर निकलते हैं कि नहीं, या उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी है या उसमें एंडोमेट्रियोसिस है, डर्माइड सिस्ट है, या तुम्हारी ट्यूब चिपकी गई है, आंतड़े के साथ चिपकी है, ये सब रिपोर्ट्स एंडोस्कोपी का रिपोर्ट में हम देखते हैं। अगर उसमें कुछ भी है, फाइब्रॉइड है तो निकाल सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट कर सकते हैं, ट्यूब चिपके हैं तो निकाल सकते हैं, ट्यूब बंद है तो खुला कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी डू विथ लैप्रोस्कोपी। इसके बाद जब भी बच्चा नहीं होता है तब बारी आती है IVF की। तो IVF में फर्स्ट हम जंप नहीं करते, फर्स्ट नॉर्मल रीति से बच्चा होगा नहीं हो गया, IUI से बच्चा होगा नहीं हो गया, सुपर ओवुलेशन IUI से बच्चा होगा। सुपर ओवुलेशन का मतलब है हम हार्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं और बाद में जब भी बीज परिपक्व होता है, बीज फूटने का इंजेक्शन देते हैं और स्पर्म को प्रोसेस करके अंदर डालते हैं, दैट इज़ सुपर ओवुलेशन IUM। ये करते हैं, इसमें 3 या 4 साइकिल में बच्चा नहीं होता है तब जाके हम टेस्ट ट्यूब बेबी। सो टेस्ट ट्यूब बेबी या ICSI बिकम्स अ लास्ट। नाउ इसमें स्टेप्स क्या है मैं समझा देती हूँ। टेस्ट ट्यूब बेबी में सबसे पहले हार्मोन्स के इंजेक्शन 10-3 स्त्री को दिए जाते हैं। ये हार्मोन्स के इंजेक्शन से उसके दोनों अंडकोश में फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं छोटे। जब भी फॉलिकल्स 18-20 मिलीमीटर साइज के होते हैं तभी इंजेक्शन देते हैं बीज फूटने का, और उस वक्त हम सोनोग्राफी मार्फत सभी बीज बाहर निकालते हैं जिसको एग पिकअप बोलते हैं। एग पिकअप करने के बाद लेबोरेटरी में वो ट्यूब्स ले जाते हैं, इसीलिए उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी इसलिए बोलते हैं कि ट्यूब्स में एग में से पानी आता था तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। एक्चुअली इट इज़ अ पेट्री डिश बेबी। बेबी एक्चुअली ना छोटे से ऐसे पतले से डिश में तैयार होते हैं, तो इट शुड बी टेस्ट ट्यूब बेबी के बदले में डिश बेबी नाम दिखना चाहिए। ओके, सो वो आइडेंटिफाई करते कि उसमें अंडा है कि नहीं। उसमें अंडा है तो एक छोटे से डिश में कल्चर मीडिया होते हैं, उसमें अंडे डालते हैं, और हमारे पास इनक्यूबेटर्स होते हैं। ये इनक्यूबेटर्स में CO2, नाइट्रस ऑक्सीजन जो ह्यूमन बॉडी में होता है अपने यूटरस में वही उसमें होता है। ये इनक्यूबेटर में डिशेस कल्चर मीडिया में एग रखते हैं, फिर हस्बैंड को बोलते हैं आपका स्पर्म देना। हस्बैंड का स्पर्म मैस्टर्बेशन से आता है या हस्बैंड का स्पर्म कभी कभी उसके गोटी के अंदर, उसके गोटी मतलब शुक्रपिंड के अंदर सुई डाल के हम निकालते हैं जिसको पीसा पद्धति बोलते हैं। ये स्पर्म्स प्रोसेस करके फिर एक अंडे में एक स्पर्म डालने की प्रक्रिया होती है। IVF में एक अंडे के साथ 50,000 स्पर्म्स डाल के इनक्यूबेटर में रख देते हैं, दूसरे दिन फर्टिलाइज हो जाता है। ICSI में इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में एक अंडे में एक स्पर्म डाला जाता है और भ्रूण तैयार होता है, और फिर ये भ्रूण 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद ब्लास्टोसिस्ट बढ़ा करके हम डालते हैं। हमारे घर में ना पूजा है, प्रभाकर है, सर है किशोर नाडकर्णी, मेरे हस्बैंड है वो एंड्रोलॉजिस्ट है जी, और प्रभाकर एम्ब्रियोलॉजिस्ट है जी, पूजा क्लिनिशियन है, मैं क्लिनिशियन हूँ, अदिति मेरी बहू बेटी जैसी है, सेकेंड बेटी बोलूँ वो वहाँ के तीनों हॉस्पिटल संभालती, चारों हॉस्पिटल, वो भी क्लिनिशियन है। उसका हस्बैंड अक्षय है वो लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, असली ये जो फाइब्रॉइड्स आते हैं, ट्यूब बंद होते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में सब स्टक हो जाता है, कितना भी डिफिकल्ट है वो हमको आसान करके देता है। सो और लास्ट बच्चा भी मेरा टेस्ट बेबी सीखने वाला है, ऑफकोर्स वो गायनेक बन रहा है। सो द होल फैमिली राइट नाउ वी आर 5 मेंबर्स, और हमारे जो असिस्टेंट डॉक्टर्स है, हमारे फेलो स्टूडेंट्स है, एवरी वन हैज़ गॉट अ पैशन ऑफ
doing IVF and that is why I think we do excellent pregnancy rate. हमारे मतलब कोई भी patient आता है तो उसको बाहर कहीं भी कोई भी प्रकार के test या कुछ भी करवाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. सभी जो भी है वो आपकी hospital में ही हो जाएगा. वो सबसे बड़ी बात है क्योंकि कुछ भी हो कोई भी test के लिए अगर बाहर कहीं जाना है तो उसमें time भी waste होता है, बहुत कुछ होता है. तो ये सबसे अच्छी बात है. मैडम एक क्वेश्चन आया है आनंद सोलंकी नाना वराछा से पूछ रहे, उनका भतीजा है, उनकी शादी को 8 से 10 साल हुए हैं लेकिन अभी तक कुछ मतलब बच्चा नहीं हुआ है और एक बार राजकोट में कुछ ट्रीटमेंट भी करवाया है तभी कुछ हुआ नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल से उनको 21st सेंचुरी हॉस्पिटल में जाना चाहिए. नहीं, राजकोट ना दंपति चाहिए. एक्चुअली 8 से 10 वर्ष बाढ़ में ट्रीटमेंट वहाँ पे करवाया हुआ है, कुछ फायदा नहीं. 8 से 10 साल से बच्चा नहीं है तो दो चीज़ होनी चाहिए. एक तो लड़की के ट्यूब्स चेक करना चाहिए और लड़की को एग गिविंग कैपेसिटी, अंडे देने की क्षमता है कि नहीं, उसका मासिक रेगुलर है कि नहीं, वो चेक करना चाहिए. दूसरा, अगर सब सही है, सब वो लड़की सही है तो हस्बैंड का स्पर्म चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. राजकोट वाले लोग बहुत टबैको खाते हैं और टबैको के कारण स्पर्म काउंट बहुत कम हो जाता है. तो पहले फाइंड आउट करो कि वे टबैको खाता है क्या. टबैको नहीं खाता है तो उसके स्पर्म काउंट करने ज़रूरी है. अगर स्पर्म काउंट नॉर्मल 15 मिलियन से ऊपर है, उसकी गतिशीलता सही है, तो दिस इज़ अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी. मतलब सब सही है फिर भी बच्चा नहीं होते. तो इसको मैंने बोले वैसे सुपर ओवुलेशन IUI 2-3 साइकिल करना चाहिए. उसके बावजूद नहीं हो गया तो हिस्ट्रोस्कोपी का तपास करके अंदर कुछ है कि तपास करना चाहिए. उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी से ज़रूर बच्चा हो जाएगा. आप उनको हमारे यहाँ लेके आना. मैं बुधवार और शनिवार मिलती हूँ. अगर बुधवार शनिवार नहीं होता है तो बाकी दिनों में मेरी बेटी डॉक्टर पूजा नाडकर्णी रोज मिलेगी उनको. सो शी कैन कम हियर. ओनली 1 से 14 तारीख तक पूजा कॉमरेड रन करने जा रही है. सो okay. 1 तारीख से 14 तारीख के दरमियान डॉक्टर पूजा 90 किलोमीटर दौड़ने के लिए उसके हस्बैंड के साथ साउथ अफ्रीका जा रही है. सो वो नहीं मिलेगी. तभी आप बुधवार शनिवार को मुझे मिलिए या सोमवार गुरुवार के उसके पापा को मिले, डॉक्टर किशोर को मिले यहाँ सूरत में. पार्टी वापी में तो हम रोज मिलेंगे जी. तो आनंद जी आप बिल्कुल ज जाई शको छो एमनी हॉस्पिटल में अने आपनी समस्यानु समाधान करी शको छो. मैडम ये टेस्ट ट्यूब बेबी अगर मतलब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद कुछ डाइट वगैरह ज़रूरी है क्या? नहीं, सबसे पहले आराम. लेट्स टॉक अबाउट आराम और क्या दवा. okay. देखो जब भी हम बच्चा बनाते हैं और डालते हैं, बच्चा मीन्स भ्रूण एम्ब्रियो बना के डालते, उसके बाद हम 2 से 3 दिन ही आराम देते, ज़्यादा नहीं देते. और इस दरमियान 2 से 3 दिन आराम करने के बाद हम ल्यूटियल सपोर्ट देते. ल्यूटियल सपोर्ट में प्रोजेस्टेरॉन की दवा देते हैं, कभी इंजेक्शन देते हैं, कभी वजाइना में से ट्यूब देते हैं या जेली देते हैं, जेली के मार्फत प्रोजेस्टेरॉन देते हैं, या तो टैबलेट्स होते हैं वजाइनल योनि मार्ग में रखने की गोलियाँ होती. ये ल्यूटियल फेस सपोर्ट होता है और ये एटलीस्ट 2 से 3 दिन आराम करे उतना बस हो जाता है. फिर आप लोग काम कर सकते हो. ऐसा नहीं कि टेस्ट ट्यूब बेबी डालने के बाद 9 महीना सोना है, बिल्कुल ज़रूर नहीं है. 2 से 3 दिन रेस्ट बस होता है और उसके बाद चलते फिरते आप अपना काम कर सकते हो और अच्छी तरह अपनी गोलियाँ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की जो है वो लेने की. 15 दिन के बाद ब्लड टेस्ट होता है. ब्लड टेस्ट में बीटा HCG करके टेस्ट होता है. अगर बीटा HCG पॉजिटिव आता है, 100 से ज़्यादा आता है तो उसका मतलब प्रेगनेंसी है, और 100 से कम है तो नहीं है. तो 100 से ज़्यादा आता है तो उसके बाद में भी और 7 दिन के बाद वापस चेक करते हैं. अगर वो बीटा HCG बढ़ता है तो डेफिनेटली बच्चा है. और 10 दिन के बाद हम सोनोग्राफी करके सोनोग्राफी के अंदर हमको समझता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं. तब तक उनको हमको संभालना पड़ता है. उसके बाद में वो अपना काम भी कर सकते हैं, सब खा सकते हैं, सब पी सकते हैं. इसे कुछ भी परहेज नहीं कि ये ठंडा है, ये गर्म है, आइसक्रीम ठंडा है, फिश गर्म है, चिकन गर्म है, वाल का वावड़ी छे, कोई नहीं. You can eat everything during pregnancy. Yeah. No diet. You eat everything. मतलब ये 15 दिन के ड्यूरेशन में पता चल जाएगा कि ये प्रेगनेंसी मतलब प्रेगनेंट है. yeah. ऐसा पता टेस्ट बेबी में चल जाएगा. yeah, yeah. ठीक है. उसके बाद का ये ट्रीटमेंट रहेगा आपका. और 3 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा ना उसका? yeah, 3 महीने तक हमको ना संभालना पड़ता है कि पहले 3 महीने में बच्चे हमको हार्मोन्स इसलिए देने पड़ते हैं कि जब तक उसकी ओरी तैयार नहीं होती या प्लाजेंटा तैयार नहीं होता है. प्लाजेंटा उसको सभी हार्मोन्स देता है, नरिशमेंट देता है. तो प्लाजेंटा साधारण 3-3.5 महीने पे तैयार हो जाता है. तब तक हमको हार्मोनल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है. उसके बाद हार्मोनल ट्रीटमेंट बहुत कम हो जाती है और उसके बाद प्लाजेंटा टेक ओवर करता है. उसके बाद हमारा टेंशन कम.
यूजुअली उसके बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आते, पहले 3-3.5 महीने तक वी हैव टू रियली टेक केयर ऑफ. ओके, बाद में 3 मंथ क्या मतलब करना चाहिए वो सब भी प्रेगनेंसी के बाद में? प्रेगनेंसी में ब्लड टेस्ट हो जाएगा उसका, ब्लड के हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, VDRL, HIV ये सब टेस्ट हो जाएंगे उनके. हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, थायराइड टेस्ट होता है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम होता है, शुगर है कि नहीं, डायबिटीज़ है कि नहीं, VDRL है कि नहीं, HIV है कि नहीं, ये सब बेसिक टेस्ट हो जाते हैं. उसके बाद में बच्चा संभालने के लिए ल्यूटियल फेस का तो दवा देते ही है. उसके बाद रेगुलर डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर BP लेगा और सोनोग्राफी करके बच्चा सही है कि नहीं देखेगा. चौथे महीने से पेट के ऊपर से तपास हो जाता है, आयरन कैल्शियम की गोलियां शुरू हो जाती है, प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, दूध भरपूर लेना चाहिए, दूध, फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स भरपूर लेनी चाहिए. प्रोटीन्स आपको मिलता है अंडा, मटन, मच्छी से मिलता है, लेकिन जो अंडा मटन मच्छी नहीं खाता है उसको प्रोटीन्स के लिए चना, शेंगदाना, स्प्राउट्स से ज़्यादा लेना चाहिए, तो उनको प्रोटीन्स मिलते हैं. पनीर, चीज़ में से भी प्रोटीन मिल जाता है तो, या और दूध में से, दूध पूर्ण अन्न अस्ते, मतलब दूध इज अ कंप्लीट फूड. सो एक ग्लास दूध सुबह, एक ग्लास दूध शाम को, आधी वाटी दही सुबह, आधी वाटी दही शाम को, प्रोटीन, जाड़ी दाल, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर द वुमन टू बिकम हेल्दी मदर. क्योंकि हेल्दी बेबी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. भरपूर अभी ये गर्मी के दिन है, इस बहुत लोगों को हीट स्ट्रोक हो रहा है, तो इन गर्मी के दिनों में दोपहर को 12 बजे से शाम को 4 बजे तक बाहर जाना ही नहीं, जाना पड़े तो तुम सब कवर करके जाना या छत्ता लेके जाना, और कंटिन्यूसली 1 घंटे में 1 ग्लास पानी पीना. तो पूरे दिन में 3-4 लीटर पानी पीना है, ठंडक रखनी है, काला चश्मा डाल के, मुझे गॉगल डाल के बाहर जाना है, और जितना हो सके बाहर जाना ही नहीं चाहिए, और हो सके उतना AC में रहना चाहिए, ठंडा पानी सर पे मारना चाहिए, चेहरे पे मारना चाहिए ऑल द टाइम. दीज आर द थिंग्स ऑल द वीमेन शुड डू सो दैट हीट स्ट्रोक उनको नहीं होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है. जी, मतलब 6 मंथ तक का ये हुआ, फिर लास्ट जो 3 मंथ होते हैं उसमें क्या केयर करना चाहिए फिर? देखो, लास्ट 3 महीने ना बच्चे का फाइनल पोजीशन आता है, सीधा आएगा या तो अड़वा आएगा, 2 होंगे तो ट्विंस आते हैं, तो प्रीमैच्योर डिलीवरी होने की शक्यता होती है. हमारे हॉस्पिटल में 10 टेस्ट ट्यूब बेबी में 3 तो ट्विंस आते हैं, ट्रिपलेट्स आते हैं, तो हम 3 के तो 2 कर लेते हैं, लेकिन फिर 2 को 9 महीना ले जाना होता है, तो वी हैव टू टेक केयर. कभी कभी टाका लेना पड़ता है ताकि ट्विंस 9 महीने के पहले डिलीवर ना होए, कभी कभी प्रीटर्म डिलीवरी का पेन ना आने के लिए टोकोलाइटिक्स करके मेडिसिन देते हैं ताकि प्रीटर्म डिलीवरी ना होए, और पेशेंट को थोड़ा बहुत ट्विंस हो तो थोड़ा बहुत आराम ज़्यादा देना पड़ता है सो दैट उसकी प्रीटर्म डिलीवरी ना होए, और आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन्स वगैरह सब अच्छी तरह उनको, विटामिन डी और फोलिक एसिड, दीज आर द थिंग्स आर गिवन टू द मदर सो दैट मदर इज हेल्दी एंड बेबी इज आल्सो हेल्दी. नॉर्मल प्रेगनेंसी में ज़्यादातर बच्चों को, मतलब ज़्यादातर माओं को ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चा गिर जाता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, तो इसमें कितने चांसेस हो है अबॉर्शन के? 10% चांस अबॉर्शन के होते हैं. इज इफ़ द मदर्स एज इज मोर, मतलब एल्डरली पेशेंट हो, बड़ी उम्र वाली पेशेंट हो, 40 के बाद हम प्रेगनेंसी देते, कभी एक डोनेशन से देते, कभी एम्ब्रियो डोनेशन से प्रेगनेंसी देते हैं. अगर वो लेडी फिट नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर है, उसको डायबिटीज़ है, ओबीज है, तो ऐसे पेशेंट्स का अबॉर्शन इतना 40 साल के बाद एज हाई एज 40-45% औरतों का अबॉर्शन हो जाता है. सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन सिलेक्टिंग द पेशेंट. पेशेंट को सिलेक्ट करना है तो वो फिजिकली फिट चाहिए, वो मेंटली फिट चाहिए, और उसको डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए. ये सभी चीज़ें अगर अच्छी तरह टाकोटाक हम देखें, अच्छी तरह मेंटेन करें, तो इट इज़ ईजी फॉर अस टू गिव हर अ प्रेगनेंसी, और वो प्रेगनेंसी 9 महीना आसानी से जाती है. लेकिन अगर पेशेंट बहुत ओबीज है या एल्डरली है, बहुत एल्डरली है, मे बी उसको ब्लड प्रेशर है, मे बी उसको डायबिटीज़ है, मे बी उसको किडनी की डिसऑर्डर है, या उसको कुछ और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसी औरतों का अबॉर्शन नाइलाज से हो जाता है. आफ्टर 45 एज के बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकता है का क्या, ऐसा किसी का क्वेश्चन से? या देखो, 45 हम लोग है ना, हमारे ICMR करके हमको गाइड करता है. अपने हिंदुस्तान में हमारे फॉक्सी करके फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जिसमें अराउंड 34,000 डॉक्टर्स है, और मुझे लगता है IVF सेंटर 1,000 से ऊपर हो जाए होंगे 1,000.
अभी वो हमें गाइडलाइंस देते हैं. अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस 50 साल के ऊपर की औरत को बच्चा देना नहीं चाहिए. तो हम यूजुअली 50 साल के ऊपर की औरतों को नहीं देते 50 साल तक. इवन बच्चा जब भी देना है तो इस औरत को फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, उसको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी नहीं होना चाहिए और उसको किडनी डिसीज़ वगैरह ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, कैंसर नहीं होना चाहिए, ऑल दीज थिंग्स. एंड शी शुड बी, उसको ना बहुत साइकोथेरेपी देनी पड़ती है. बिकॉज देखो, अगर तुमको 50 साल पे बच्चा आया एंड सपोज तू 65 में मर गई हार्ट अटैक आके, तो तुम्हारा बच्चा बेवारस होना है ना. बिल्कुल बिल्कुल. तो इसीलिए वो फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है. फिटनेस के सिवा हम लोग देखते हैं कि घर में और कोई लोग हैं कि नहीं जो इन बुजुर्गों के बच्चों को संभालने के लिए सक्षम है. नंबर 3, फाइनेंशियली वो बच्चों को, अगर इनको माँ बाप में से कोई एक उड़ गया तो उसके बच्चों को बड़ा करने के लिए दूसरा पार्टनर सक्षम है कि नहीं. तो फाइनेंशियल सक्षमता और फिजिकल सक्षमता, आजू बाजू में घर में ऐसे लोग हैं जो इन्हें कुछ खुदा ना करे कुछ ऐसा वैसा हो गया तो वो बच्चे को बड़ा करके उसको आत्मनिर्भर करने के लायक कोई होना चाहिए तो ही हम बच्चा देते, नहीं तो हम नहीं देते. वैसे फिजिकली तो मैं नहीं देती इतनी. अगर बहुत मोटी है तो मैं बोलती नहीं, वजन कम करो, तुम्हारा बॉडी मास इंडेक्स कम करो, 35 तक लाना, फिर मैं करती. मैं मेरे पेशेंट्स को दौड़ाती हूँ, एक्सरसाइज कराती हूँ, डाइट करवाती हूँ, बाद में देती हूँ. बिकॉज सी, बच्चा होना इम्पोर्टेंट है लेकिन बच्चा होने तक माँ की जान तो नहीं जानी चाहिए ना. बिल्कुल बिल्कुल. नंबर 2, बच्चा तुम पैदा करो तो उसके लिए माँ 25 साल तो जिए ना. बिल्कुल, केयर करना भी बच्चे की जरूरी है. सो माँ ने 25 साल तो जीना है. बच्चा बड़ा होगा, स्कूल में जाएगा, कॉलेज में जाएगा, वो अपने पैर पे खड़ा होगा, उसकी शादी होगी, तब जाके तुमको मरने का अलाउड है. बिल्कुल. तो उसके पहले मरना अलाउड नहीं है. बिल्कुल. आजकल के जनरेशन में मतलब बहुत जल्दी 25 साल में भी अटैक आ जाता है. बहुत जल्दी, मतलब जनरेशन ही ऐसा कुछ हो गया है कि बहुत जल्दी मतलब मौत आ जाती है, किसी को भी आ जाती है. तो ये सबसे पहले जरूरी है. तो वर्स्ट डेथ मैं देखती हूँ अपने देश में बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट. जब एक्सीडेंट से कोई मरता है ना, यू जस्ट फील सो सिक, सो बैड. एक्सीडेंट अवॉइडेबल होते हैं. अगर हर एक वाहन चालक हो, साइकिल वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, कार वाला हो, हर एक आदमी और हर एक औरत अपना ड्राइविंग सही ढंग से करे. सही ढंग से मतलब एक के पीछे एक जाए, यहाँ से नहीं तोड़े, यहाँ से रास्ता ना तोड़े. यू अंडरस्टैंड? उल्टे दिशा, उल्टे दिशा से नहीं आए, मुझे शॉर्टकट करना है, वहाँ से वैसे क्यों जाए, मैं उल्टे दिशा में क्यों नहीं आऊँ, वो करे. और ओवरटेक करना, यंग बच्चे में देखती हूँ, इतने सुंदर, इतने स्मार्ट बच्चे मोटरसाइकिल इतने फास्ट जूम 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 चला के ले जाते हैं और किसी की परवाह नहीं करते. अरे तू 16 और 18 साल का बच्चा, तुम्हें कुछ हो गया, जरा सा यहाँ, बस यहाँ एक मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है, एक ठक करके लग गया, गॉन. तुम्हारी याददाश्त जाती है, सब जाता है, तुम्हारा सब लाइफ ख़त्म है. तुम मर जाओगे या तो तुम लूले लंगड़े हो जाओगे या तुम्हारा याददाश्त जाएगी. माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप की उम्र हो गई अभी, माँ बाप को तुम्हारा सहारा चाहिए. इसीलिए हर एक बच्चे ने, हर एक लड़की या लड़के ने सबसे पहला सोचना है, इस तरह गाड़ी चलाते वक्त मेरे पीछे कौन रोने वाला है? सही. अगर तुम्हारे पीछे माँ बाप रोने वाले हैं या तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी रोने वाली है या तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चे रोने वाले हैं, आपको मरने का अधिकार नहीं है और आपको मरना नहीं है. तो हर एक को अच्छी तरह गाड़ियां चलानी है, हर एक को अच्छी तरह का जो नियम है वो उसका पालन करना चाहिए. एवरीवन रियली रियली ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन ना करेगा कोई तो मुझे नहीं लगता है किसी का एक्सीडेंट होने वाला है. बिल्कुल, बिल्कुल. और अनटाइमली डेथ नहीं होगा. आजकल मैं 2-3 मेरी एक असिस्टेंट थी और उसकी छोटी बहन बहुत अच्छी MBBS डॉक्टर थी. वो सिर्फ रास्ता क्रॉस करने के लिए खड़ी थी तो गाड़ी ठोकी और MBBS वाली लड़की मर गई. इतनी स्मार्ट, इतनी अच्छी लड़की हमारी कॉन्फ्रेंस में आई थी. इतना दिल को दुख हो गया, मतलब कहने की बात है कि एक्सीडेंट. और मेरे पास परसों एक पेशेंट आई थी, 48 ईयर्स की थी. मैंने बोला, बड़ी उम्र की थी, मैंने बोला इस उम्र में आपको बच्चा क्यों चाहिए? उसके हिस्ट्री में था एक लड़का 24 साल का, लेकिन उसके आगे नहीं लिखा था कि वो मर गया था. अच्छा. और वो मरा इसलिए था कि उसने सुसाइड कमिट किया था. ओ माय गॉड, एग्ज़ाम में फेल होने के बाद हमारे बच्चे सुसाइड करते हैं. सो हर बच्चे को मेरा तो यही संदेशा है, हर एक बच्चे को या हर एक आदमी औरत को जिसको मरने की इच्छा होती है, सुसाइड करने की इच्छा होती है,
अगर मेरे पीछे कोई रोने वाला है, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, मेरे माँ बाप बूढ़े जिंदा है, मुझे मरने का अधिकार नहीं है। अगर हर एक जन ऐसा सोचे कि जीने के लिए बहुत बहुत वजह होती है, ये दुनिया बड़ी अच्छी है, हम अच्छे तो दुनिया अच्छी, और अगर हार और जीत तो सबको होना ही है, एग्जाम में हारना होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी में हारते हैं मैडम, टेस्ट ट्यूब बेबी में हम 10 में से 7 को प्रेग्नेंट बनाते हैं, 3 तो हारते हैं। मैं बोलती भाई हारना उसमें क्या, छोटा बच्चा चलता है गिरता है, गिरता है रोता है, खड़ा रहता है वापस चलता है, तो ही वो चलने सीखता है, तभी वो दौड़ते सीखता है। हमने ना छोटे बच्चों से देखना चाहिए, छोटे बच्चे गिरते हैं, रोते हैं, लगती है 10 मिनट में खड़े रहते चलते हैं, भूल गए वो लोग, भूल गए। अगर टेस्ट ट्यूब बेबी करने वाला हर एक पति पत्नी ऐसे सोचे कि एक बार फेल हो गया ठीक है, बच्चा गिरा उठ के चला, मैं भी उठ के चलूंगा, मैं वापस ट्राई करूंगा। सो यू शुड नेवर गिव अप। हमारे पास आते हैं तो मैं हमेशा बोलती है नेवर गिव अप। एक बार फेल हो गया ठीक है, दूसरी बार करो, फेल हो गया तीसरी बार करो। तुम्हारा खुद का नहीं होता है तो एग डोनेशन मिल सकता है, एम्ब्रियो डोनेशन मिल सकता है, देर आर वेरियस वे, असिस्टेंट हैचिंग हो सकता है, पीजीडी हो सकता है, कुछ भी करके आपको अपना बच्चा हो सकता है, वर्स्ट कम टू वर्स्ट सरोगसी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हमने बात की। दर्शक मित्र, आपको भी कोई प्रश्न है, अगर आप जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता है तो इनके लिए बहुत ही अच्छा ही अभी ऑप्शन मिला है टेस्ट ट्यूब बेबी का। डॉक्टरों ने अगर इनकार किया है कि आपको बच्चा नहीं हो सकता है तो आप बिल्कुल ही डॉक्टर पूर्णिमा जी का कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एक बच्चे की आस पैदा कर सकते हैं बिल्कुल ही। मैडम, ये सरोगसी और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या डिफरेंट है? अच्छा, टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है उसमें हम हार्मोन्स के इंजेक्शन के बीज निकालते हैं उस पत्नी का, पति के स्पर्म से बच्चा पैदा करते हैं भ्रूण और उसी को डालते हैं, इट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। सरोगसी मतलब दूसरी स्त्री के अंदर इन दोनों का बच्चा पैदा करके दूसरी स्त्री के अंदर डालते हैं। ये स्त्री उनकी सरोगेट माता होती है और ये स्त्री के अंदर जब भी बच्चा पकड़ लेता है तो 9 महीना करके वो डिलीवर करके इनको बच्चा वापस देती है, इसको सरोगसी बोलते हैं। सरोगसी एटले दत्तक माता। अभी सरोगसी क्यों लगती है, किसको लगती है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि नवंबर 16 को इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत खतरनाक रूल्स लाए सरोगसी के लिए। उन्होंने बोला कि एनआरआई को बच्चा नहीं दे। अभी एनआरआई अपने ही लोग हैं ना, एनआरजी है ना, नॉन रेसिडेंट गुजराती लोग हैं ना, नॉन रेसिडेंट पंजाबी है, गुजराती है, कनाडा में कितने सरदार हैं और साउथ इंडिया से हैं, पूरा हैदराबाद तो वहाँ जाके आईटी में पढ़ा है, साउथ से है। हमारे लोगों को हम सरोगसी नहीं दे सकते हैं, ऐसा रूल आया है। मतलब दूसरा ऐसा रूल क्यों आया, इसका कोई वजह मालूम नहीं उनको, ऐसा अच्छा। लगता है कि सरोगेट विमेन को हम एक्सप्लॉइट करते हैं डॉक्टर्स, और दूसरा ऐसा लगता है कि डॉक्टर लोग बहुत कमाते हैं, ऐसा भी लगता होगा मालूम नहीं। जो भी है, गवर्नमेंट को अपने अपने रीजंस होंगे। और एक्चुअली क्या होता था सरोगसी, मैं तुमको बताती हूँ कि किसके लिए सरोगसी लगता है, फिर आप लोग डिसाइड करो कि सरोगसी बैन होनी चाहिए, कमर्शियल सरोगसी बैन ऐसा लिखा है, घर वाला कोई ले। अभी तू बता मेरे को यामिनी, तुझे बच्चा नहीं होता है तो तुम्हारी बहन कितनी बहनें बड़ी बहन का बच्चा ले सकती है, कितनी भाभियाँ लेगी, कितनी देरानी जेठानी लेगी, कितनी काकी मामी लेगी, काकी मामी का तो मरने का टाइम आया, मतलब दे एल्डरली, वो आपका बच्चा ले लेगी क्या, तो आपके पास बच्चा कौन, आपकी बहन, बहन उसका बहन, उसका हस्बैंड शादीशुदा है, उसको 2 बच्चे, वो तुम्हारा बच्चा 9 महीना लेगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले सकती नहीं लेके, तेरी भाभी लेगी वो भी नहीं ले सकती, नहीं ले, तेरी देरानी जेठानी वो भी नहीं ले, उतने बच्चे हैं, आप समझे कि नहीं। सो यू हैव टू हैव अ ब्लड रिलेशन टू टेक, इट्स लाइक अ किडनी ट्रांसप्लांट में कैसे रूल्स आया है ना, वैसे सरोगसी में उन्होंने रूल किया है नो कमर्शियल सरोगसी। एक्चुअली कमर्शियल सरोगसी अपने देश में डॉक्टर नैना पटेल ने शुरू कर दिया, वो आनंद में डॉक्टर नैना पटेल है, एंड उन्होंने आई थिंक 1998-99 से शुरू कर दिया। इन 10 सालों में काफ़ी उन्होंने नाम कमाया, हमने 2003-2004 में शुरू किया, हमने भी काफ़ी 100-200-300 सरोगेट बच्चे दिए, नैना मैडम ने 1000 से ज़्यादा दिए होंगे। बट सरोगसी में क्या होता है, किसी दंपति को बिल्कुल ही बच्चा नहीं होने वाला। अभी कौन सी स्थिति है कि जिसमें बिल्कुल बच्चा नहीं होता है, मैं बताती हूँ। एक लड़की पैदा हो गई, उसको यूट्रस ही नहीं है, उसको मेयर रॉकेटांस्की किस्टर हासर सिंड्रोम बोलते हैं, यूट्रस नहीं है लेकिन उसको ओवरी है, समागम की जगह है,
तो कॉन्जेनिटल अनामली जन्मजात खामियां जेमा यूट्रस ज नथी यूट्रस मिला ही नहीं है ऐसी औरत को दूसरे का यूट्रस लेना पड़ता अथवा उसके यूट्रस में कैंसर आ गया है छोटी उम्र में और यूट्रस रिमूव करना पड़ा तो उसके अंडकोश है तो उसको दूसरे का लेना पड़ता है या तो उसके फाइब्रॉइड्स की गांठे हैं तो लार्ज एडिनोमायमा प्रचंड मेंसिस में दर्द होता है इतना दर्द होता है कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है फिर नाइलाज से कभी कभी ऐसे ट्यूमर्स में लिए यूट्रस के ट्यूमर्स के लिए बच्चादानी निकालनी पड़ती तो ऐसे औरतों को दूसरी औरत का यूट्रस का सहारा लेना पड़ता है फिर कभी कभी ऐसी बीमारियाँ होती है जिसमें यूट्रस पूरा चिपक गया होता है इसको एशरमन सिंड्रोम बोलते हैं अपने देश में गरीबी ज़्यादा है तो ट्यूबोकुलोसिस टीबी की बीमारी यूट्रस के अंदर की टीबी होती है जिसमें यूट्रस पूरा चिपक जाता है अधीजंस हो जाते हैं एशरमन बोलते हैं ऐसे यूट्रस में बिल्कुल ही बच्चा नहीं पकड़ते तो उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है ये हुए हुई यूट्रस की बातें अभी पेशेंट की खुद की बातें 3 बार टेस्ट बेबी किया 4 बार टेस्ट ट्यूब बेबी किया बच्चा पकड़ता ही नहीं है और इनका बच्चा दूसरे में डाला वो पकड़ ली क्योंकि वो फर्टाइल उम्र थी जो सरोगेट होती है फर्टाइल होती है तो इन दोनों का इसके यूट्रस में नहीं पकड़ता है दूसरे के यूट्रस में पकड़ता है तो ऐसे रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस के विमेन को सरोगस लेना पड़ता है लास्ट बट नॉट लीस्ट पेशेंट नॉट फिट हमारे मुझे याद है मुझे वन ऑफ द पारसी कपल्स को मैंने सरोगसी किया था शी वॉज 110 किलोमीटर एंड ही वॉज 140 किलोमीटर किलो वेट हाँ और उस जमाने में बैरियाटिक सर्जरी इतनी फेमस नहीं थी और शी वॉज हैविंग डायबिटीज शी वॉज हैविंग हाइपरटेंशन फिर उनको सरोगसी किया और अभी उनके पास इतना बड़ा बच्चा है एंड दे वर सो हैप्पी बॉम्बे के कोई कपल थे तो कहने की मतलब ये है कि शी इज़ इफ़ शी इज़ नॉट फिट उसको किडनी की बीमारी है कि बच्चा नहीं ले सकती और उसको बहुत ओबेसिटी है या डायबिटीज़ है इंट्रैक्टेबल हाइपरटेंशन है बीपी अनकंट्रोल्ड है लेकिन उसको भी तो बच्चा चाहिए ना बिल्कुल तो वो दूसरे स्त्री का आधार ले सकती तो दिस इज़ हाउ द कमर्शियल सरोगेसी स्टार्टेड इन अवर कंट्री बट अभी के रूल्स है कि कमर्शियल सरोगेसी बंद एनआरआई को बंद फॉरेनर्स को बंद फॉरेनर्स को बच्चा नहीं देना है अपने लोगों को फॉरेन में रहते नहीं बच्चा देना ऐसे गवर्नमेंट ने रूल किया है और कमर्शियल सरोगेसी में बोलते हैं कि हम एक्सप्लॉइट करते हैं कहां एक्सप्लॉइट हो सकता है ना लोकल में हो सकता है हाँ लेकिन आपकी बहन हो तो मतलब रिलेटेड हाँ ओके ब्लड रिलेशन होना ब्लड रिलेशन जी एक्चुअली क्या होते थे ये कमर्शियल वीमेन जो आती है ना कमर्शियल सरोगेसी के लिए मिडिल क्लास की वुमन होती है उनके हस्बैंड किसी फैक्ट्री में किसी हीरा घासू में होता है या टेक्सटाइल में नौकरी करता है 3 बच्चे हैं इसके लिए ये उनको घर बांधना है उनको मोटरसाइकिल लेना है अभी ट्यूशन फीस लगती है निफ्ट आया नीट आया ये आया वो आया पढ़ाई के लिए तो इतनी फीस लगती है तो उसके लिए वो आके बोलते हैं डॉक्टर हमको कुछ ऐसा करो कि जिससे पैसा मिले हम फिर उनके लिए बोलते हैं कि सरोगेट लेती है सरोगेट वो करती है तो 3.5-4 लाख रुपया उनको मिल जाता है, तो 4.5 लाख रुपया मिलते हैं 4.5 लाख रुपया मिलते हैं उसके ऊपर 9 महीना तक उनको आयरन कैल्शियम प्रोटीन इतना मिलता है इतना अच्छा खाना मिलता है दे रियली एंजॉय जिंदगी में पैसा भी मिलता है और एंजॉय भी करते हैं मतलब सो आई डू नॉट थिंक एक भी डॉक्टर आई डू नॉट एग्री कि डॉक्टर्स एक्सप्लॉइट करते हैं बिल्कुल नहीं है डॉक्टर्स पेशेंट को कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते मेरी तो ऐसी धारणा है आई हैव नेवर एक्सप्लॉइटेड एंड आई डोंट थिंक डॉक्टर्स एक्सप्लॉइट ऑन द कॉन्ट्ररी कमर्शियल सरोगेसी बंद होने के कारण काफ़ी औरतें जो ऐसे करके अपना यूटर्स दे के किसी को बच्चा देने का सबसे अच्छा काम करती थी उनको बच्चा उनको सरोगेट करने को अलाउड नहीं है इट्स ओनली रिलेटिव्स बट जो है जो गवर्नमेंट करेगा वी हैव टू एक्सेप्ट बिकॉज गवर्नमेंट के अपने कुछ रीजंस होंगे वी डू नॉट नो हमारे डॉक्टर्स के अपने व्यूज है गवर्नमेंट के अपने व्यूज है वी कैन नॉट क्वेश्चन देम वी एक्सेप्ट इट बिल्कुल मैडम ये IVF ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल है और अगर सक्सेसफुल होता है तो उसका अगला स्टेप्स क्या होता है देखो हमारे हॉस्पिटल में अगर IVF का सक्सेस रेट एनीवेयर फ्रॉम 15% टू 60-70% है मेरे हॉस्पिटल में देखो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड 20 इयर्स अगो सिर्फ 10% प्रेगनेंसी रहती थी फिर 3-4 साल के बाद 15-20% पे आया लेकिन 2001 और 2003 के बाद में हम 35-40% पे आए और अभी हम 60-70-80% तक हैं मेरी पूजा अदिति एक्सलेंट प्रभाकर वी आर रियली गुड आई थिंक द पैशन इन अस जैसे कि मेल को नील स्पर्म है मेरे हस्बैंड एंड्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर किशोर नाडकर्णी
अरे FSH 22 हो गया तो भी शुक्रपिंड में जाके माइक्रोटिसा करके स्पर्म्स निकाल के मुझे देते, ले पूर्णिमा बच्चा पैदा कर. सो आई थिंक 100% चांसेस हो जाएंगे, 100 तो ऊपर वाला भगवान देता है, बट वी अराउंड 70-80% हम देते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेशेंट. जितनी मैं जितने सालों से आपको जानती हूँ इसी हिसाब से तो मतलब आप जो केयर करती है आपके हॉस्पिटल्स में जो भी आता है वो बिना मतलब निराश होके नहीं जाता है, वो तो मुझे पता ही है. मैडम वो तो ना ऊपर वाले की दुआ है. तो 100% का चांसेस बिल्कुल भी हो सकता है. देखो मैं जब भी बच्चा डालती हूँ, एम्ब्रियो डालती हूँ ना, मैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके डालती हूँ. सो आई होल डे भगवान का नाम लेके हम अपना काम करते हैं. लेकिन जो कबूल, देखो एम्ब्रियो हम अच्छा तैयार करते हैं, यूट्रस का लाइनिंग हम अच्छा तैयार करते हैं और यूट्रस में बच्चा डालते हैं, यहाँ तक हमारे हाथ में है. लेकिन उसको कबूल 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 करना ऊपर वाले के हाथ में होता है. उसके लिए हम भगवान की प्रार्थना करें, भगवान आज प्रसन्न हो इसके ऊपर. हाँ बिल्कुल मैडम. टेस्ट ट्यूब बेबी का खर्च कितना आता है वो क्वेश्चन है हमारे दर्शक का. हमारे यहाँ ना दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं, एक गुड प्रोग्नोसिस पेशेंट और यंग पेशेंट है. यंग पेशेंट को टेस्ट ट्यूब बेबी के खर्चा अराउंड 75-80,000 में हो जाता है. यंग और गुड रिस्पॉन्स हम MOS मतलब मिनिमल ओवेरियन स्टिमुलेशन करके कम से कम खर्चे में करते तो हम 75-80,000 में यंग पेशेंट को, अच्छे पेशेंट को हम बच्चा दे सकते हैं. बट टोटली फर्स्ट टू लास्ट सब साइकिल का खर्चा, साइकिल का खर्चा. ओके. लेकिन अदरवाइज हम 1-1.5 लाख रुपया खर्चा होता है, मतलब वो इंडियंस का है खर्चा, NRI का खर्चा अलग होता है. ओके. इंडियंस के लिए मतलब 1.5 लाख तक में मतलब हो जाता है. NRI के लिए हम 1.7 से कम नहीं करते. प्रेगनेंसी के बाद का जो 9th month का है जो सब पूरा मिला के 1.5 लाख में हो जाता है. और NRI की कीमत 1.7 है, बिकॉज हम उस देश में जाते हैं तो हमारे पास बहुत पैसा लिया जाता है. बिल्कुल. तो उनके पास तो हम थोड़ा मार्जिनली ज्यादा लेते, ज्यादा नहीं मार्जिनली ज्यादा लेते. उससे क्या होता है, थोड़े गरीब पेशेंट को उसका फायदा हो जाता है. आपके हॉस्पिटल में ऐसा कुछ है, कोई गरीब पेशेंट आता है तो उनके लिए कुछ सुविधा है? बिल्कुल है. देखो हम कैंप्स करते हैं, हम लोग फ्री कैंप्स करते हैं और उसमें फायदा हो सकता है. लोगों ने फ्री कैंप्स का फायदा लेना चाहिए. ऑन द कंट्री अभी हमारे पारडी वापी और वलसाड़ के हॉस्पिटल में हर महीने के 1st Sunday को हम 4 घंटे सभी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स को फ्री तपास करने वाले हैं. तो उसका फायदा लोग उठा सकते हैं. फिर हमारा नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन है, उसके थ्रू हम दर महीने में 5-10 पेशेंट को बहुत कम खर्चे में टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं. तो ये सब भी दर्शक मित्रों को अगर पता चले डेफिनेटली, जो गरीब पेशेंट है उन्होंने भी हमारे पास आना चाहिए. गरीब पेशेंट को भी लो कॉस्ट IVF हम करते हैं. सो गरीब पेशेंट को भी 30-40,000 में भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी दिए हैं और मेडिकल, हमारा मेडिकल फाउंडेशन उसका खर्चा उठा लेता है. ऐसे काफी हमने एटलीस्ट 100-200 पेशेंट्स को फ्री या बहुत बहुत कम 25-30 में किया है. मतलब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी होती है उसी खर्चे में वो टेस्ट ट्यूब बेबी भी कर सकता है अगर कोई गरीब पेशेंट है तो हमारे मेडिकल फाउंडेशन आपकी हॉस्पिटल में वो आ सकता है. तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आजकल फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है. तो मैडम ने जो बताया वो आप जरूर 21st Century हॉस्पिटल का संपर्क कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए. तो मैडम आपके हॉस्पिटल्स के लिए थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए, कहाँ पे कौन सी जगह पे क्या मिलता है. सबसे पहले हमारे सूरत के सेंटर्स, हमारे 6 हॉस्पिटल्स है और अभी 1/7 आ रहा है. सूरत में हमारा फर्स्ट है तो वो 21st Century हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर स्टेशन रोड पे, वो भजिया वाला है ना उसके बाजू में ही है जी. तो स्टेशन रोड पे होटल सवेरा के बिल्कुल बाजू में बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ टेस्ट ट्यूब बेबीज मैक्सिमम होते हैं. दैट इज़ 50-bedded हॉस्पिटल. वहाँ मैं बुधवार और शनिवार को मिलती हूँ. डॉक्टर किशोर नाडकर्णी मंडे और थर्सडे आते हैं. तो एंड्रोलॉजी मेल्स को बच्चा नहीं होगा तो वहाँ होता है. और पूजा और प्रभाकर रोज मिलते हैं जी. और फिर हमारा दूसरा है मजूरा गेट पे 21st Century फर्टिलिटी क्लिनिक करके है जहाँ IUI तक सब होती है सुविधा, छोटा ऑपरेशंस होते हैं, सिजेरियन होते हैं, डिलीवरी होते हैं. बट इट इज़ ओनली 7-bedded राइट नाउ. और उसके बाजू में निमया करके बहुत बड़ा हमारा हॉस्पिटल 2 महीने के बाद आने वाला है. तो सूरत के एज सेंटर्स होंगे. किला पार्डी का हमारा मेन नेशनल हाईवे के ऊपर किला पार्डी 4 रस्ता के ऊपर नाडकर्णी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है जो सबसे पुराना है, जिसने अब तक 15,000 टेस्ट ट्यूब बेबीज दिए हैं. और वलसाड में हमारा 21st Century टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर प्लस
कैंसर सर्जन, मेरा बेटा कैंसर सर्जन है, तो कैंसर हॉस्पिटल है बलसाड़ में, वो मेन बस स्टॉप के बिल्कुल बाजू में बगल में है जी। फिर वापी का जो हॉस्पिटल है 21st सेंचुरी हॉस्पिटल एंड टेस्ट टू बेबी सेंटर प्लस इवा केयर फर्टिलिटी सेंटर ई क्लास, ये वापी में हाईवे के ऊपर ही बिल्कुल GIDC के हाईवे के ऊपर ये दोनों हॉस्पिटल बहुत फेमस है, तो वहाँ है। सो यहाँ चार जगह हमारे हॉस्पिटल्स हैं। हमारे हॉस्पिटल में 24 आवर्स मतलब सुबह से रात तक अगर आपको बच्चा नहीं होता तो आप आ सकते हैं, और अगर मैं ना मिलूँ तो मेरे बच्चे तो मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये अगर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए कुछ भी आपको समस्या है तो बिल्कुल भी आप 21st सेंचुरी हॉस्पिटल का संपर्क कर सकते हैं। और आगे चल के सूरत में टेस्ट ट्यूब बेबी के फ्री चेकअप कैंप भी होने वाले हैं, तो उसकी जानकारी हम आपको S24 News के द्वारा दे देंगे, तो आप उनका भी लाभ उठाइए। और आफ्टर 15 डेज सैटरडे को हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।